नमस्कार देवियों और सज्जनों और बच्चों तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी डिस्कशन को जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं आई थिंक इट इज बेटर कि आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया हो जिसका इस्तेमाल हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं अब देखो भाई जिसको लग रहा है कि मैथ इज बोरिंग मेक्स लाइफ हार्डर टू स्टडी फिजिक्स फिजिक्स का वो रस छीन लेता है यू हैव टू चेंज दैट अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है क्योंकि देखो फिजिक्स लिखा ही मैथ में गया है ना द होल थ्योरी और क्वांटमिक्स तो है ही लीनियर एल्जब्रा ही और थोड़ा बहुत जो भी टेंसल एल्जेब्रा में जाते हैं विच इज ऑल्सो अर एल्ज्रा आई मीन चलो उस डिटेल से हम थोड़ा अभी बचेंगे कि क्या डिफरेंस है उसमें बट फॉर द टाइम बिंग आई वु लाइक टू नाउ गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथेमैटिक्स ठीक है मैथेमैटिकल इंटरव्यू मैटिक्स In और उसके पर्पस के लिए मैं बड़े ही प्यार मोहब्बत से वो नोट्स यहाँ पर लेकर आया हूँ तो, anyway, so we'll तो सबसे पहली चीज यह है कि समझना है कि किस तरह की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है काफी सारी ब्रांचेस मैथ्स की सो वी विल बी यूजिंग द ब्रांच कॉल्डुब्रा ब्रांच लीनियर जुब्रा क्या होती है एक्जेक्टली exactly? इट्स एन एल्जिब्रा ऑबली जहाँ पर आप नंबर्स के साथ गेम खेलते हो वो नंबर्स हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो रियल नंबर हो और उनके साथ आप एल्जिब्रा एक ऑपरेशन करते हो वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिविजन जैसे भी हो सकते हैं सिंपल ऑपरेशन या कॉम्प्लिकेट ऑपरेशन जो ऑपरेटर्स करते हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में उन्हीं का इस्तेमाल होता है ठीक है सो यू नो वट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर राइट ऑफ द फॉर्म नंबर आई बी राइट right? अब इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो बहुत ही सिंपल सा इसका ड्राइंग होता है ठीक है सो दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर वाई एक्सिस और यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे अगर मैं ऑयलर रिप्रेजेंटेशन से लिखूं सो दिस इज लेट्स से इक्विवेलेंट टू राइटिंग इट एज r e to the power i theta राइट दिस इज एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम सो दिस विल बी अ कंपोनेंट एंड दिस विल बी अ कंपोनेंट तो अगर मैं इसको r बोल रहा हूँ तो ये इसका थीटा कॉम्पोनेट हो जाएगा और फिर ये इसका साइन थीटा कॉम्पोनेट हो जाएगा सो दिस दिस विल विल बी बी थीटा थीटा एंड यू कैन सी फॉर कि इन दो के यूज से या इन दो का कर यूज करके ही मैं यहां पर कैसे आ सकता हूँ चाहो तो टेलर तो एक्सपैंड कर लो अगर टेलर एक्सपेंशन याद है तो अदरवाइज यू कैन सिंपली सी फॉर योर सेल्फ की ये एक ही बात होती है ठीक है दिस इज ए कॉमर बी वेर ए एंड बी इंडिविजुअली दे आर रियल नंबर्स ठीक है दे आर इंडिविजुअली रियल नंबर्स ओके फाइन गुड ये तो तुमको पहले से ही पता था इसमें क्या नया बता दिया आपको एक और चीज पता होगी कि, जो थोड़ा कि, ही, तो ही चाहिए राइट सो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम बट बियॉन्ड दैट ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये कब कब पढ़ चुके होंगे एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं मैंशन करना चाहूंगा और वो यही है कि वन

एंड दिस कौन सी इक्वेजन हो जाएगी ये जो e है ना, इसका बहुत इस्तेमाल होता है uh, जब हम टाइम एवल्यूशन लेकर आते हैं एक वे uh, फंक्शन के लिए विच वी विल गेट टू इफ बी डिस्कस दिस फर्दर तो ये तो एक और चीज हो गई इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जेड का जो कॉन्जुगेट होता है यानी कि स्टार दैट इज वॉट ए माइनस आई बी

इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डुअल स्पेस यानी कि जो कि वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बिजी हिलबर्ट स्पेस ये स्पेस शब्द फिर से इस्तेमाल किया प्लीज जाके गूगल करो नहीं पता तो मैं स्पेस का डेफिनेशन वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन नहीं दूंगा तुमको वो देने में टाइम लगता है एक दो लेक्चर चला जाएगा डेफिनेशन समझाते समझाते कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं अच्छे वेक्टर स्पेस कौन से होते हैं लॉन लीनियर वैक्टर स्पेस क्या होते हैं अगर टाइम मिले तो एक चैनल है थ्री बी बोल के

प्रूफ चाहिए ना बेसिकली कि ये जो मॉड जी स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी देने वाला है सो इफ यू सी दैट केयरफुली फ्रॉम हियर एंड यू सी दैट फ्रॉम हियर यूजिंग दिस एंड दिस आई विल राइट दैट इन अ न्यू कलर तो यहां से क्या पता चलता है हमको uh, लिख देता हूं z स्टार z इज मॉड जी स्क्वायर ये आप देख चुके हो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए नंबर ये हैश का मतलब नंबर हो गया

वक्त पढ़ाते पढ़ाते वक्त तो ही जिसका मैंने जिक्र किया था पहले में, जो की है नोटेशन की। अब ये थोड़ा जरूरी है समझना अगर क्वांटम मैकेनिक्स में, में लाइफ आसान बनानी है तो, तो भाई देखो डिराक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने सोचा देखो मैं इतनी देर से ये टी वगैरह वगैरह लिखे जा रहा हूँ और बड़ी दिक्कत हो रही है भाई हिलबर्ट स्पेस से रियल स्पेस में आने में समझ नहीं आ रहा थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस सो ही कम्स अप विद इन नोटेशन सेइंग दैट लेट मी राइट दिस एज गेट ठीक है दिस इज कॉल्ड द गेट एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रा अपने गंदे दिमाग को बंद करो और इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज ब्रा गेट नोटेशन तो ये जो ब्रा नोटेशन है दिस इज अ वेरी पावरफुल नोटेशन फॉर द रीजन क्योंकि इस कैट और ब्रा से मैं वेक्टर्स और, उनके वेक्टर्स को करूंगा. Here, ब्रा वेक्टर, वेक्टर. और अगर मैं इनको साथ में लिख दूं तो जो कि मेरा जी स्टार है रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड जी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस तो जब मैं जी, स्टार जी कर रहा हूं उसका मतलब क्या है कि ये और ये साथ में आ रहा है सो यू विल हैव हियर हियर एंड अनदर अब दो दो डंडे लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है तो ये हट जाएगा सिंगल डंडा आएगा क्योंकि मैंने जी स्टार को ऐसा ब्रैकेट लिख दिया था एंगुलर ब्रैकेट फेसिंग इन दिस डायरेक्शन दिस देन बिकम्स मॉट जी स्क्वायर व्हिच यू नो इज आर स्क्वायर सिंपली एंड दिस इज अ नंबर नाउ यू सी वेरी पावरफुली मैंने ये स्टार नोटेशन से बच गया हूं है ना ये स्टार नोटेशन अब मुझे डील नहीं करना पड़ रहा एंड आई सिंपली हैव दिस दिस देन टू प्रोबेबिलिटीज ठीक है और वो भी इतनी आसानी से नहीं कि मैंने बोल दिया और ये नंबर हो जाएगा और अपना सारा काम बन जाएगा इससे हमको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली लाइफ में सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती जितना मैं बता रहा हूँ तो अभी प्रोबिलिटीज पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है अब थोड़ी सी हम उन वैक्टर्स ये क्या हो गया जादू ओके okay. तो हमने जो ये लिखा है इसके बारे में हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कुछ एसोसिएटिविटी की होंगी ट्रांजिटिविटी वगैरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ब्रा और केट को ऐड करोगे ए प्लस बी करोगे तो आपको तो एक तो नया वैक्टर मिलेगा ये तो सेंस बनता है ना भाई जी वन प्लस जी टू करोगे तो एक नया वैक्टर मिलेगा जी थ्री जी वन क्या है आर वन इट तो पावर आई थीटा वन प्लस आर टू इट पावर आई थीटा टू इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा आर वन ए टू दी पावर आई थीटा वन प्लस आर टू ए टू दी पावर आई थीटा टू यही तो मिलेगा कुछ नया तो नहीं मिल जाएगा यही मिलेगा तो ये तो सेंस बन रहा है बहुत बढ़िया शाबाशी की बात है काफी और इनके जब आप कॉन्जुगेट्स को ऐड करोगे और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ठीक है अब जरूरी नहीं कि ये सी सी ही हो सी प्राइम भी हो सकता है है ना ऑब्वियस बात है सी नहीं रहेगा तो

उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जिनसे सेट्स फॉर्म होते हैं है ना एसोसिएटिविटी ट्रांजिटिविटी या कमिटेटिविटी ये सब प्रॉपर्टीज का यूज करके आप सेट स्ट्रक्चर बनाते हो वही सेट स्ट्रक्चर जनरलाइज करने पर एक्चुअली जनरलाइजेशन नहीं बोलना चाहिए बट उन्हीं सेट स्ट्रक्चर से मिलता जुलता डेफिनेशन भी है वेक्टर स्पेसेस का जो कि आपको देखना चाहिए फिर से बोला मैंने तो अगर आप ऐड करो ऐसे या आप ऐड करो ऐसे

ये तो हो गया आइडेंटिटी अब ये एडिशन में आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी नहीं है सो दिस विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग फिर हम बात करेंगे इनवर्सिस की कि ए प्लस माइनस ऑफ दिस इज नथिंग बट जीरो या एडिशन वाला आइडेंटिटी फिर से मैं थोड़ा लैंग्वेज में घुमा रहा हूँ आपको बट ट्राई टू बी अ बिट प्रिस अबाउट दैट ठीक है ओके okay. तो so एक ये प्रॉपर्टी हो गई अगली प्रॉपर्टी भाई चार पांच पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें सो दैट इज z टाइम्स a इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ

पर यहाँ पे क्योंकि मैं सोल्यूशनस की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं सुपर पोजिशन वाले शब्द से दूर रह रहा हूँ फिर से जो लोगों को मैथ से डर लगता है उनको ये लेक्चर दोबारा देखना चाहिए शुरू से और उनको मैं मोटिवेशन भी दे देता हूँ ये लेक्चर क्यों उनको देखना चाहिए उसके पीछे का रीज़न यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी बनी ही मैथ पर है लेनियर आल्ज्रापर सुपर पोजिशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन पर इंटीग्रेशन पर तो उसको समझने के लिए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आना जरूरी है अदरवाइज़ आप पढ़ तो लोगे ऊपर ऊपर से पर आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता होगा और आप एक्चुअली में शोडिंग इक्वेशन के साथ कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पर उसको सॉल्व कैसे करना है इंटीग्रल क्योंकि वो इंटीग्रल वैसे सॉल्व नहीं होता फिर जैसे आप सोचते हो यू हैव टू गो बियॉन्ड वॉट यू ऑलरेडी नो ठीक है ओके सो अनदर थिंग देन इज टाइम्स ए प्लस बी चलो मैंने लीनियर शब्द का इस्तेमाल कर दिया अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए ठीक है um, इसके अलावा दिस ऑल्सो इज ट्रू चलो इसका जो सिक्स पॉइंट वन वर्जन है वो ये होगा जेड प्लस डब्ल्यू ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये ब्रा और केट्स हैं ठीक है टाइम्स a ये क्या होगा ठीक है दीज आर इजी आप खुद से लिख सकते हो तो ये तो बात हुई इनकी अब हम थोड़ी बात करते हैं मेट्रिस की ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्रा इन केट फॉर द टाइम बींग इससे हम थोड़ा बच के रहेंगे क्योंकि ये हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है वी आर एबल टू मेक सम सेंस ऑफ इट है ना तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगी उसके साथ साथ ये तो बेसिक्स ही है सो इफ यू आर क्लियर ऑन प्रॉपर्टीज, वी कैन मूव फर्दर टू टॉक अबाउट तो अब मेट्रिक anyway, <laughs> तो तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि जो ए वैक्टर में लिख रहा हूं जिसको मैं कैट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक कॉलम से ठीक है सिंपल so कॉलम और मैं एग्जाम्पल देख लू यहाँ पे या फिर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ तो कॉलम आपको पता है ऐसा होता है राइट वन टू थ्री या अगर मैं एंट्रीज लिख रहा हूँ तो ए बी सी एंड ए बी सी तो इसका जो ब्रा होगा राइट right? ये इसका कैट है सो दैट विल बी वॉट ए बी सी अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला था कि ए नंबर सम नंबर So if you take this one and this one, what do you get? You have A B C and you have A B C, right? Yes, I multiply, yes, I multiply, yes, I multiply. This is what? 1, 2, 3, 1 cross 3. This is 1, 2, 3. So 3 cross 1. Right? So when you take these and you multiply them, you get a A plus B B plus C C. You obviously multiply the khanna here. बट दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड और सीधी सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर ये यह जो एंट्रीज हैं दीज आर कॉन्जुगेट्स ठीक है किसके कॉन्जुगेट्स हैं ये कॉन्जुगेट्स ऑफ दीज एंट्रीज तो ये इसका स्टार होगा ये इसका स्टार होगा ये भी स्टार होगा ये भी स्टार होगा ये भी स्टार होगा बस आप पर स्टार नहीं हो बन जाओगे जल्दी और ये भी स्टार होगा ये भी स्टार होगा और ये भी स्टार होगा अल्टीमेटली बचता क्या है मेरे पास पिंक कलर अच्छा लग रहा है मुझे तो भाई पिंक कलर नहीं मिला पिंक पिंक ओके सो देन वी हैव मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बहुत बढ़िया ये तो नंबर आगे सारे के सारे यही तो चाहिए था अल्टीमेटली सो दिस वन रोटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो भाई मैंने ये लिख दिया है ना पर इसका मीनिंग नहीं समझा है मैंने आपको ये होता क्या है लिख कर खाली छोड़ दिया है और अगर याद हो तो बहुत पहले मैंने कभी प्रोजेक्शंस की बात की थी डॉट प्रोडक्ट्स की बात की थी जनरलाइज्ड डॉट प्रोडक्ट्स की बात की थी हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं लीनियर अलजेब्रा का और लीनियर एलजेब्रा की भाषा में इसको बोला जाता है इनर प्रोडक्ट ठीक है इनर प्रोडक्ट विच इज इन जनरल अ जनरल डॉट प्रोडक्ट अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है क्या होता है जिंदगी भर डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आए हो दिस इज वन वैक्टर दिस इज अनदर वैक्टर दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी दे हैव सम एंगल थीटा बिटवीन दम ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू इज गोइंग टू बी मॉड्यूल्स ऑफ ए मॉड्यूल्स ऑफ बी ट करूंगाइज रेप्रेजेंटेशन करूंगा मैं A का और बी का ए वन आई थीटाई सॉरी ट ठीक है सीरी चालू हो गया फिर आई कॉम्पोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा फिर आई कॉम्पोनेट इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा और आपको पता है ऑर्थो को आई डॉट जे जीरो है या बेसिकली एनी टू क्रॉस और नॉर्मल वैक्टर्स आर नॉट प्रोजेक्शन अदर इज़ जीरो ये एक वैक्टर है जो इसके ऑर्थोगोनल है या इस पर नॉर्मल है तो इसका इस पर कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है ना जीरो आउट यू आर लेफ्ट विद ऑफ टू राइट सिमिलरलीज टू सिमिलरलीज टू अब ये सारे तो नंबर क्योंकि आई और आई आइडेंटिटी मल्टीप्लाईड बाई आई डॉट आई इज वन

है है ना, so you get basically this. अब बात आती है ये की ज़रूरत क्या है? है है, वही बात हो गई. ये ये जो ब्रा है और ये जो और भैया क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं प्लीज गूगल वेक्टर स्पेस क्या होता है पहली चीज तो आपका होमवर्क ठीक है

Which is the complex vector space, which is a dual space, to the real space where you are dealing with nothing but numbers. These are numbers or numbers. Number numbers. But numbers, go ahead numbers, or numbers, those numbers which what is the probability ko represent ka. probability? Probability of finding something somewhere. When we are talking about a quantum system, you can no longer will this A be like this. In quantum mechanical systems, this becomes. ए फंक्शन विच represents ए पर्टिकुलर पार्टिकल इट्स ए कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन राइट तो यही बात है यही उसकी आवश्यकता है यही उसकी जरूरत है कि मैं लेकर आऊं इन सबको अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है तुमको इसके साथ परेशान करने ओके होमवर्क फाइंड व्हाट इज दिस बी ए ये क्या होता है ठीक है ये आपका होमवर्क है डब्बा कहा बनता है इसमें ब्लू कलर से हम बनाएंगे डब्बा तो ये आपका आज का घर का काम है घर में बैठे बैठे बढ़िया जहां भी बैठे हो पता करो ये क्या होता है एंड प्रूफ दैट दिस थिंग इज इक्वल कॉन्जुगेट ये कर सकते हो यही करना है आपको साफ लिख दू अगर समझ नहीं आ रहा तो आना तो चाहिए समझ में इतनी भी खराब हैंड राइटिंग है नहीं मेरी वैसे यू आर सपोज टू प्रूव दिस दिस इज ज्यादा इजी ठीक है करके देखना नहीं आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बट दिस सम मैथ आई वांट यू यू टू गेट ओवर सो नाउ ओनली हैव नंबर्स आप बोल रहे कि भाई आपने लाइफ सिंपल कर दी इसके भी कॉम्पोनेंट सेम कर दिए इसके भी सेम कर दिए बस कॉन्जुकेट ले लिया नो प्रॉब्लम यू कैन चेंज द कॉम्पोनेट्स फ्रॉम दिस टू बी वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कर लो फिर मिलेगा कहा एन स्टार ए टी वन स्टार बी टू सीवन स्टार सी टू पर भैया आपने एक बात नहीं बोली कि ये जो ए है ये सिर्फ एक कॉलम वेक्टर और ये रो वेक्टर ही क्यों है मतलब इसकी और एंट्रीज भी हो सकती है ना इधर एक उधर दूसरा रो मतलब यहाँ पे हो सकता है ए टू फिर बी टू या जो भी है मतलब समथिंग लाइक दैट दैट इज नॉट देयर राइट ये कभी सोचा आपने इफ यू डू दैट एंड देन यू टेक द कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीप्लाई आई गिव यू दस असाइनमेंट क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर को है ना ध्यान रखना

ओके सो इट विल हैव सम कंपोनेंट्स एवरीवेयर आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस एज ए मैट्रिक्स अब वो मैट्रिक्स मैं कैसे बनाऊंगा ऑब्वियसली वो एक कॉलम वेक्टर होगा ना सो इट विल बी ईदर लाइक दिस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जिसमें सारे कॉम्पोनेंट आ जाएंगे या होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दिस विल ओनली रिप्रेजेंट दिस वैक्टर

ठीक है एक चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक वेक्टर विद इटसेल्फ एंड इट इज गिविंग यू वन इट इज अ यूनिट वेक्टर दैट मेक सेंस इफ ए विद बी इज जीरो दिस मींस ये डॉट प्रोडक्ट ही है समझ रहे हो ना इफ दिस इज जीरो देन दीस आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दीस आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स वी वांट वेक्टर्स व्हिच आर ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थो और्थो हो गया नॉर्मल माने ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मल भी हो नॉर्मल माने कि ये और सॉरी नॉर्मल माने कि ये तुम्हारे जैसे अब नॉर्मल नहीं और ऑर्थोगोनल माने कि ये तो दिस इज मेड ऑफ ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल वैसे वेक्टर्स चाहिए होते हैं मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में क्योंकि 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 वो एक चीज बनाते हैं जिसको मैं बोलता हूं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हे भगवान भैया आपने दिमाग खराब कर दिया है उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके हिलबर्ट स्पेस वेक्टर स्पेस ऑर्थोगनल ब्रा केट कितना कुछ दो क्या बेसिस लिया है पता नहीं कहाँ से सो वी हैव टू वरी अबाउट ऑर्थो नॉर्मल शब्द ये अच्छा कर लगता है बेसिस और ये बेसिस क्या होता है अब अगर मैं एक एग्जाम्पल दू इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो थ्री डायमेंशनल कार्टिशन स्पेस में आई हैट जे हैट और K -hat आपके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं ठीक है दे आर ऑर्थोगोनल एंड दे आर नॉर्मल ऑल्सो दिस इज द रियलेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इन क्वांटम मैकेनिक्स द क्वान्ट दैट आई वॉन्ट टू डी विद एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस अगर नहीं हुआ तो फिर

फॉर फ्यूचर डिस्कशन क्यूँकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी बाकी है भाई थोड़ा सा हमने मैथ ही डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे क्वांटम मैकेनिक्स के आज थोड़ी मैथ डिस्कस की है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो हमको डिस्कस करना है शोडेंजर इक्वेशन का स्ट्रक्चर अभी हमको डिस्कस करना है कि ये मैं वैक्टर्स को जनरलाइज फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ कि नहीं उसके कॉम्पोनेट फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं बट फिर से मुझे डर लगता है कि ये सब मैं पढ़ाने बैठ गया डिटेल में तो फिर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा खत्म बिकॉज मैथ विल बिकम अ लिटिल बोरिंग टू यू क्योंकि आपको डमी uh, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता तो मैं क्या करने का सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे वेव फंक्शन और शोड इक्वेशन की देन वी विल स्टडी वन सिस्टम एंड आई विल शो यू अ ग्रेट एनिमेशन वो देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है बिकॉज क्लासिकली यू हैव ऑलरेडी सीन क्लासिकली यू हैव ऑलरेडी सीन कि एक सिस्टम अगर मेरे पास है यहाँ पे एक तो दीवार है चलिए मान लीजिए यही आपकी दीवार है ये आईपैड एक दीवार है और मैं यहाँ से पेन फेंकता हूँ पास नहीं कर रहा है बट क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से या मैं बोलूं नेचर की वजह से नेचर ने ऐसा बनाया है ब्रह्मांड ने ऐसा बनाया है हर सिस्टम को कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन होता और ये एक पोटेंशियल वॉल होता मानी कोई एक इंटरेक्शन का फील्ड होता

जिंदा हैं फिर भी आप लोग टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हो अगर आप नहीं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो स्टाइलिश भैया वो तो आप भी बनाते हो देखो बड़ा आई थिंक मुझे आपके रील्स नहीं पता अगर आपके भी इंफॉर्मेटिव रील्स हैं तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं फ्री का प्रमोशन एनी anyway, वे तो आई होप दिस मेड सम सेंस टू यू और बोरिंग नहीं था बीच में मैंने गंदा जोक भी मार दिया बिकॉज मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो चुका है बट आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ आई हूं एंड दिस मेड सम सेंस टू यू अगर नहीं बना सेंस जिनको लग रहा है मैथ बहुत डिफिकल्ट है कोई बाई वाला बच्चा आ गया जिसने आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से नहीं पढ़े जाओ पिछले तीस मिनट को टू एक् स्पीड पर देखो और मैं हो सकता है थोड़ा धीमे बोल सकता था बट ठीक है अगर चीजें समझ नहीं आई तो दोबारा देखो दे विल मेक सेंस टू यू इट इज नॉट इम्पॉसिबल इट इज इंस्टेट वेरी ईजी वॉन्ट मैकेनिक्स इज नॉट हार्ड मैं बार, बार बार बोल रहा हूँ बोल चेस्ट पर मैं एक दिन टाटू बनवा लूंगा टी शर्ट खरीद लूँगा टाटू थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मम्मी मारेंगे तो मैं टी शर्ट खरीद लूंगा क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट ईजी ठीक है इट इज़ रियली नॉट ईजी अभी फाइन मैन का कल वीडियो दिखाया था दोबारा देखना है क्या एग्जिट करेंगे इसको सेव करके पहले करेंगे सेव एक्सपोर्ट क्वांटम मैकेनिक्स वन दिस इज लेक्चर नंबर थ्री लेक्चर नंबर थ्री सेव यस वरना लास्ट टाइम हमारा डेटा खो गया था रेफर कैसे करेंगे ओके okay, एक्सपोर्ट हो गया एग्जिट करेंगे और फाइन का वो वीडियो ढूंढेंगे फाइन का वीडियो शायद बंद हो गया है हिस्ट्री में देखना पड़ेगा हिस्ट्री हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री थोड़ी गंदी हो सकती है नहीं अच्छी है ये कौन सा आ गया फ्रीमैन डाइनसन ये नहीं, है, नहीं है, हमको देखना को देखना है हुए बड़ा डिफिकल्ट है भाई लाइफ में कभी कभी कुछ ढूंढना तो क्या नाम था देर आर नो मेरिकल्स पीपल देर आर नो मेरेकल्स पीपल यस चाहो तो ये दोबारा देख लो इट्स वेरी मोटिवेटिंग Studying hard would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say, you take an ordinary person who is willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. So, Samjay, if you're willing to devote a great deal of time to studying and thinking and practice and mathematics, you have become a scientist. And necessarily a scientist, you've become a hardworking person who is now having the caliber to do things. So, if you found this hard, this lecture was not easy for you. I understand, but direct notation is such a powerful thing. मैन आई वुड ऑलमोस्ट क्राई वन डे बिकॉज ऑफ इट तो आई होप दिस मेड सेंस टू यू वापस बोल रहा हूँ गो बैक अगर समझ नहीं आया रीड इट वॉच इट एंड राइट थिंग्स फ्रॉम इट टेक नोट्स इफ यू वॉन्ट गेट प्रैक्टिस ऑफ इट ट्राई टू प्रूव द क्वेश्चन टू मैंने दिए बहुत ईजी से है बहुत सिंपल से है एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर मोर मोर पॉस्टुलेट्स मोर डिटेल्स ऑफ क्वांट मेनिक्स अभी तो पार्टी शुरू हुई है इंटैंगलमेंट मैं सोच रहा हूँ हम लास्ट के लिए बचाएंगे और टनलिंग मैं कल दिखाने वाला हूँ कल मैंने की नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने आई ए टी एन नेस्ट का सपना साकार डाउनलोड दी ऐप नाउ